आईजी जे रविंद्र गौड़ ने कार्यालय में चल रहे निर्माण कार्यों का किया औचक निरीक्षण। कार्यों को समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश। 1 नवंबर से मंडल में शुरू होने वाले धान खरीद की तैयारियों को लेकर संभागीय खाद नियंत्रक ने अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कैंट थाने व रामगढ़ ताल थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी गई फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए गए निर्देश। नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम ने पकड़ा 1.5 क्विंटल अवैध प्लास्टिक। नगर आयुक्त ने कहा, शहर में प्लास्टिक है प्रतिबंधित, पकड़े जाने पर की जा रही है कार्रवाई। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं आशा कार्य क्षेत्र एकीकरण का जनपद स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ समापन। आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के क्षेत्र का एकीकरण करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर प्रदान करने के लिए बनी रणनीति। राजघाट थाने की पुलिस टीम को अहम कामयाबी लगी हाथ। पुलिस टीम ने शातिर मादक पदार्थ तस्कर ब्रजेश यादव को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए शातिर अभियुक्त के पास से 4 किलो गांजा व 1 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। राजघाट थाने की पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 24 घंटे के अंदर बाइक चोर को किया गिरफ्तार। चोरी की 1 अदद बाइक की बरामद, भेजा जेल। ऑपरेशन सुगम अभियान के तहत SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा चलाया जा रहा अभियान। यातायात नियमों के प्रति लोगों को किया जा रहा है जागरूक। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूँ फरीद अहमद। IG जे रविंद्र गौड़ ने कार्यालय में चल रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान IG जे रविंद्र गौड़ ने कार्यालय में बन रहे गेट का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके साथ ही कार्यालय के पास नाला निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को निर्देश दिया कि कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। संभागीय खाद नियंत्रक अनुज मलिक ने 1 नवंबर से मंडल में होने वाले धान खरीदारी की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ GDA कार्यालय में बैठक की। इस दौरान संभागीय खाद नियंत्रक अनुज मलिक ने कहा कि धान खरीद को लेकर अभी से तैयारियां पूरी कर लें, सभी धान केंद्रों को एक्टिव कर दिया जाए, वहां पर किसानों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उसको करवाया जाए। यदि कोई किसान धान केंद्र ले आकर अपने धान को बेचने आता है तो उसको प्राथमिकता के आधार पर उसके धान को खरीदा जाए। इस अवसर पर मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कैंट थाने व रामगढ़ ताल थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में अपर नगर मजिस्ट्रेट देवेंद्र कुमार यादव ने बताया कि थाना समाधान दिवस में अधिकतर मामले भूमि विवाद व पुलिस से संबंधित आते हैं, जिसमें कुल 1 मामले सामने आए हैं, जिसके निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम मौके पर भेजकर निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि थाना समाधान काफ़ी कारगर साबित हो रहा है, जिसमें लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो रहा है। Thank you.
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर मजिस्ट्रेट देवेंद्र कुमार यादव ने कहा, आज थाना समाधान दिवस कैंट थाने पे राजस्व पुलिस टीम यहाँ बैठी हुई है। आज एक मामला केवल आया हुआ है। अभी एक लोन एप्लीकेशन दिया है जिसपे लेखपाल और जो है क्षेत्रीय बीपीओ को भेजा गया है, तो प्रकरण की जाँच करके जो है जो भी निर्माण होगा उसको थाना दिवस पर्याप्त कारगर साबित हो रहा है। इसमें राजस्व पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाया जा रहा है, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा रहा है। जहाँ पे जरूरत रही संयुक्त टीम जा रही है, लेखपाल या राजस्व या मतलब पुलिस टीम जा रही है। मेरा नाम देवेंद्र कुमार यादव है, मैं NTC टीम हूँ यहाँ पे। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नगर निगम की प्रवर्तन दल की टीम ने 1.5 क्विंटल अवैध प्लास्टिक पकड़ा, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि शासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको देखते हुए नगर निगम के प्रवर्तन दल के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जा रही है। विगत 10 दिनों में नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पिछले हफ्ते 2 क्विंटल प्लास्टिक पकड़ा गया और 50,000 का जुर्माना लगाया गया था, और 1.5 क्विंटल प्लास्टिक पकड़ा गया है। इस प्लास्टिक से प्रदूषण होता है और जल जनित बीमारियां होती हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है कि आगे चलता रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके शासन के निर्देशानुसार नगर निगम गोरखपुर के द्वारा समय समय पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। विगत 10 दिनों में हमारी प्रवर्तन दल ने बहुत कार्यवाही की है। अपर नगर आयुक्त हमारे निरंकार सिंह जी के नेतृत्व में और हमारे कर्नल साहब के नेतृत्व में अच्छी अच्छी कार्रवाइयाँ की गई हैं। पिछले हफ्ते ही हमने लगभग 2 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक पकड़ा था, जिसमें हमने 50,000 का चालान भी उनसे वसूला था। आज एक हमारी प्रवर्तन दल ने एक लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पकड़ा है, और इस प्रवर्तन दल के द्वारा ये कार्रवाइयाँ निरंतर जारी भी रहेंगी आगे। और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जिस तरीके का अभियान हम चला रहे हैं, आगे भी जारी रहेगा। सभी लोगों से अपील हम करते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल ना करें। ये सिंगल यूज प्लास्टिक ही है जो हमारे गंदगी को स्थायी बनाती है, जो हमारी नालियों को चौक करती है, और जिससे ना केवल प्रदूषण होता है बल्कि अन्य भी जल जनित बीमारियों को भी न्योता मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाए, तो इसी क्रम में हमारे प्रवर्तन दल ने आज ये अभियान चलाया है और निरंतर ऐसे अभियान चलता रहेगा। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा जो प्लास्टिक का उत्पादन करेगा, बिक्री करेगा, वितरण करेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं आशा कार्य क्षेत्र एकीकरण का जनपद स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण विकास भवन के सभागार में समापन हुआ, जिसके संबंध में टीम लीडर अर्चना शुक्ला ने बताया कि 3रे बैच का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें ब्लॉक के MOIC CDPO आए हुए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आंगनवाड़ी व आशा के क्षेत्र का एकीकरण करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर ढंग से प्रदान किया जाए, इससे सेवाएं बेहतर होंगी, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा यह कार्य गोरखपुर, चंदौली व बनारस में शुरू हुआ है। आशिया को देकर के सी पूरा 1720 कर देंगे, 3रे ये हमारा मैप हो जाएगा, सही है मैडम? या आप कुछ और फीडबैक देना चाह रहे हैं? थोड़ा सा नक्शे को बनाएंगी
पहले वर्तमान बनाएगी, फिर प्रस्तावित नक्शा बनाना है और साथ में आपको एलईडी कोड देते हुए उस नक्शे को कंप्लीट करना है। ठीक है, एक आंगनबाड़ी के देखो सी आशा के साथ सी आंगनबाड़ी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पूरे क्षेत्र को का डेटा वैलिडेशन कौन करेगा? नहीं, इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीम लीडर अर्चना शुक्ला ने कहा, प्रशिक्षण का तीसरा दिन है और बैच जो है वो तीसरा बैच है। यहाँ पे 6 से 7 ब्लॉक के लोग आए हैं गोरखपुर के, जिसमें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी और आपके CDPO ICDS विभाग से HEO BPM BCPM ये सभी लोग उपस्थित हैं। ADO पंचायत से भी लोग आए हुए हैं। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आंगनबाड़ी और आशा के एरिया को का एकीकरण करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर ढंग से जो लक्षित लाभार्थी हैं उन तक पहुंचा सकें और सही तरीके से सेवाएं दी जा सकें। इससे ये होगा फ़ायदा कि ड्यूलिस्ट जो है जो मिसमैच होता है या एरिया में जो सेवाएं देनी है दोनों के लाभार्थी अलग अलग होते हैं, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है, प्लानिंग में दिक्कत होती है, उन सभी चीज़ों को हम सही तरीके से कर पाएंगे अगर एक आंगनबाड़ी पे एक आशा अगर होती है तो। उसी एरिया अलाइनमेंट को लेके यहाँ पे प्रशिक्षण किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि कैसे इस प्रोसेस को पूरा लेके जाना है, सोशल मैपिंग आप कैसे करेंगे, कैसे प्रस्तावित योजना आप बनाएंगे और साथ में कि एक एप्लीकेशन बनाया गया है आंगनवाड़ी एरिया अलाइनमेंट को लेके, उसमें डेटा वैलिडेशन, माइक्रो प्लानिंग और सोशल मैपिंग तीनों चीज़ को इंक्लूड करते हुए ये पूरे स्टेप्स को एप्लीकेशन के माध्यम से भी पूरा संचालित किया जाएगा, तो जिससे हम प्रदेश की पूरी स्थिति को एक साथ देख सकेंगे। अभी हम लोगों ने जो शुरू किया है वो गोरखपुर, वाराणसी और चंदौली में इस कार्यक्रम को शुरू किया है। मेरा नाम अर्चना शुक्ला है, मैं UPTSU में एज अ टीम लीडर कम्युनिटी आउटरीच प्रोसेस में काम करूँ। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। राजगढ़ थाने की पुलिस टीम को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस टीम ने शातिर मादक पदार्थ तस्कर ब्रजेश यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शातिर अभियुक्त के पास से 4 किलो गांजा व 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक शेर बहादुर यादव, चौकी प्रभारी अमरूदबाग उप निरीक्षक राजवंश सिंह, कांस्टेबल नवीर रसूल व कांस्टेबल दिशु राय शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CO कोतवाली अनुराग सिंह ने कहा, राजगढ़ थाने पे हमें सूचना मिली थी कि एक आदमी अपने मोटरसाइकिल से 4 किलो गांजा ले जा रहा है। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने उस पर्सन को पकड़ लिया गया है, जो कुशीनगर का रहने वाला है। उसकी बाइक भी बरामद हो गई है और 4 किलो गांजा भी हमें मिला है। उस पर संबंधित धाराओं में मुकदमा लिख के उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, इसका पुराना भी कुछ आपराधिक इतिहास पता चल पाया है? नहीं, अभी कोई पुराना इतिहास नहीं है। पैसे के लालच में ये डिलीवरी करने जा रहा था। इसमें जो आगे पीछे इसके साथ में इन्वॉल्व है उसकी भी हम लोग खोज खबर कर रहे हैं और जैसे ही हमें कुछ जानकारी मिलती है उस पर आगे कार्रवाई की। राजघाट थाने की पुलिस टीम द्वारा अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के अनुक्रम में सक्रिय बदमाशों पर नकेल कसा जा रहा है। पुलिस टीम ने बाइक चोरी के मामले में 24 घंटे के अंदर बाइक चोर को दबोचा है। गिरफ्तार किए गए शातिर चोर की पहचान सत्तार पुत्र चिराग अली निवासी उमरपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी कोतवाली अनुराग सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के ऊपर पूर्व में भी गुलरिया और राजघाट थाने में 2 मुकदमे पंजीकृत हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में ट्रांसपोर्ट नगर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक शेर बहादुर यादव, चौकी प्रभारी अमरूदबाग उप निरीक्षक
राजवंश सिंह, हेड कांस्टेबल हरिन सिंह और कांस्टेबल सुजीत कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली अनुराग सिंह ने कहा, राजगढ़ थाने क्षेत्र में 21 तारीख को एक बाइक चोरी की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। उस बाइक चोरी में त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने 24 घंटे में अंदर में अभियुक्त को पकड़ लिया और बाइक भी बरामद कर लिया। अभियुक्त सिलवासा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उससे पहले गुलरिया थाना क्षेत्र में एक बाइक चोरी का पहले से मुकदमा दर्ज था और त्वरित कार्रवाई करते हुए कैमरे की मदद से उसको पकड़ लिया गया है और उसका अभी कार्रवाई की जा रही है। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गुरुवर के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सुगम अभियान के तहत SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर शहर के अंदर बिना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लगाए चल रहे ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नाबालिग बच्चों और बिना लाइसेंस के ऑटो चला रहे चालकों के विरुद्ध भी यातायात नियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान के दौरान TI मनोज राय, TI धर्मेंद्र सिंह व TI अजीत पांडे सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आप तो लगातार एक महीने से चिल्ला जा रहा है कि गाड़ी में नंबर लगवाना क्यों नहीं लगवाया, इसका काम कहाँ लगा है? TI साहब बता रहे हैं, CO साहब बता रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है, इसके बाद भी आप एक एक महीने बाद आप मौत नहीं रखेंगे। संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने कहा, गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तथा आम जनता को सुगम यातायात उपलब्ध कराने के लिए यातायात पुलिस लगातार सड़कों के ऊपर के कार्य कर रही है। इस संबंध में सबसे पहले लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया और अभी भी चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए बताया जा रहा है। गाड़ियां सड़क पर ना खड़ी करके पार्किंग, जो मल्टी लेवल पार्किंग बनी है नगर निगम के द्वारा, उसमें खड़ा करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। बाकी जो यातायात के तहत जो ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं उनके दिशा निर्देश के अनुसार चलने के लिए ही लोगों को निर्देशित किया जा रहा है। इसके अलावा गोरखपुर में ऑटो रिक्शा पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किए जाने का भी एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी प्रगति भी हुई है। इसी तरह से अन्य भी अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे कोई नाबालिग ऑटो रिक्शा या कोई गाड़ी ना चलाए, इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में यूनियन के सदस्यों के साथ भी मीटिंग करके उनको जागरूक किया गया है कि नाबालिग ना चलाएं, और जो लोग चालक हैं उनके पास जो है कि ड्राइविंग लाइसेंस जरूर हो। तो ये सारी कार्रवाई यातायात पुलिस द्वारा की जा रही है और उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध यातायात नियमों के तहत कार्रवाई भी की जा रही है।